मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा जल्द मिलने वाली है। मुख्यमंत्री 6 अप्रैल को युवा संवाद कार्यक्रम में डिजी लॉकर का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को अब डिजिटल लॉकर की सुविधा दी जाएगी। 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को संबोधित करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े उनके सवालों के जवाब भी देंगे। इस दौरान प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों तथा शासकीय महाविद्यालयों में वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25,000 से अधिक विद्यार्थी सीएम से सीधा संवाद करेंगे। छात्रों को मार्कशीट डिजी लॉकर के माध्यम से प्रदान करने के लिए वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का डेटा तैयार कर लिया गया है। प्रथम चरण में डिजी लॉकर के जरिए अंक सूची उपलब्ध कराई जाएंगी। आगामी चरण में उपाधि, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट, प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। मार्कशीट विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद महाविद्यालय को प्रदान की जाती है, जहां से छात्र अपनी अंक सूची प्राप्त करते हैं। डिजी लॉकर प्रारंभ करने से परीक्षा परिणाम जारी होने के दिन ही छात्र अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर से ले सकेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक डिजी लॉकर पर छात्रों को एक्सेस देने के बाद इसे लिंक मोबाइल ऐप या पोर्टल पर यूज कर सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट से डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे प्रमाण पत्रों के गुम होने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। डिजी लॉकर के शुरू होने से प्रमाण पत्र में सुधार बहुत ही कम समय में किए जाना भी संभव हो सकेगा। कुछ समय पहले ही उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि रजिस्ट्रेशन के बाद छात्र विश्वविद्यालयों का चयन कर स्वयं का विवरण दर्ज कर दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। एक बार डिजी लॉकर में अंक सूची और अन्य दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद छात्र को अपने पास मेन कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी। इसी से सत्यापित अंक सूची प्राप्त की जा सकेगी और दस्तावेज गुम होने या लेट मिलने जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगा।